स्वागत है जी थोड़ा सब का अपने इस चैनल दे विच। अज जो आप बी रामगढ़िया स्टाइल दस्तार की वीडियो है जो लैके आए जी, उम्मीद है वीरे तुहानू सारी वीडियो वधिया लगू। ये दस्तार की शेप है जो बिल्कुल बी रामगढ़िया स्टाइल दस्तार की शेप नाल दी नहीं हैगी, तो फिर भी अपने कोशिश की है कि दस्तार की शेप है जो उदा की होवे। अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दब लो ताकि साड़ियाँ नवी वीडियो थोड़े तीन जल्दी ही पहुँच सकन। वीडियो में लाइक करना ना भूलो, कमेंट करके दस दो कि लगी। इस चैनल पर होर भी कई दस्तारा के रिलेटिड वीडियो ने जो अपलोड ने, तुम जाके वो भी वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखा करो जी। जेकर वीडियो वधिया लगी तो लाइक करना ना भूलो। अज जो आप दस्तार की वीडियो लेके आए जी, बी रामगढ़िया स्टाइल दस्तार की, जिमें कि तुम देख लिया होना आप वीडियो लेके आए जी। इस दस्तार की लेंथ है जो 7.5 मीटर है जी, कपड़ा जो फुल वेल वरत्या गया। तो ये दस्तार का अपने पहला लड़ है जो तुम देख सकते हो, अपने बैकसाइड तो लिया हुए उपर तो नीचे नीचे वालों थोड़े थोड़े बट क्रिएट करते हुए अपने पहला लड़ है जो लाना है जी। ये लड़ लाने तो बाद अपने दबना जरूर है जी, लड़ू तुम देख सकते हो इस तरीके अपने पहला लड़ है जो लाना है जी। ये लड़ है जो अपने कन्न तो नीचे नीचे करके ज़्यादा लाना है, तो करके अपनी दस्तार है जी पहले 3-4 लड़ा के ज़्यादा फुलावट के आ सके। इस तरीके देख सकते हो इस तरह अपने पहला लड़ा जो लाने। जेकर कि तो ना समझ लगे तो जी तुम थले नंबर से मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर है जी, तक जो तुम्हें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो। उ नवें नवें दस्तारा के रिलेटिड अपडेट ने जो दिने रहने जी। तो इस चैनल पर होर भी कई दस्तारा के रिलेटिड वीडियो ने जो अपलोड ने, तुम जाके वीडियो देख सकते हो, शायद वो थोड़े लिए हैल्पफुल हो सकती है। तो दूसरा लड़ जिमें कि तुम देख रहे हो बैकसाइड तो लिया हुए, अपने बैकसाइड तो लड़ है जो अपने विचाले तो साइड वाल ज़्यादा लैके जाना, ताकि दस्तार की पिछों शेप है जो उस तरह ही आ सके। तो दूसरा लड़ तुम देख सकते हो, ये आप ज़्यादा अख वाल लाने ताकि आप जो भी 5वें 6वें लड़ तक पहुँच सकी तो अपना जो 50 होंगी वो ए शेप के आ सके। ये अपने 50 है जी थोड़ी जी दिखाई है ना ज़्यादा हो, तो दस्तार है जी अपने मत्थे के बराबर जिन्हू ज़्यादा रखनी है। तो चुंज है जी दस्तार की वो आप बाहर ज़्यादा नहीं कटनी, बट जिमें कि तुम देख रहे हो इस तरीके अपने थोड़े थोड़े बट नहीं देख सकते हो। अपने दूसरा लड़ है जो लाने तो बाद उपरों जरूर दबना जी, ये आप कपड़ा भी पा सकते हैं ताकि अपनी जो दस्तार है पहले दूजे लड़ा के ज़्यादा बाहर न आ सके। तो 50 के आकार का तुम कपड़ा इस तरीके हौली हौली रख सकते हो जी, जिदा कि आप जी वीडियो दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके अपने कपड़ा जो ज़्यादा अगे वाल नहीं पाना, ये कपड़ा अपने बैक बैक साइड वाल ही पाना ज़्यादा। तो जिदा कि तुम देख सकते हो उपरों अपने दबा देना है ताकि अपनी दस्तार की शेप है जो बिल्कुल गोल आ सके। इस तरह तुम देख सकते हो अपनी
तरीके दे नाल ही पाउणे आ ते पेच आ जो सेम तरीके दे नाल ही लाउणे आ जी। इस तरह तुसीं देख सकदे हो उपरों दबना नहीं भुलना। तुसीं देख सकदे हो जदों भी आपां लड़ नूं पिंच करदे आ तां उपरों एक बार जरूर मैं हथ दी दाब है जो दिना। यह हथेली नाल आपां ने कपड़े नूं पिछे वल नूं लैके जाणा। इहदे नाल की है दस्तार दी उपरों शेप है जो गोल आऊगी ते अगों है जो दस्तार उपरों है जो तिखी हो जाऊगी जिद्दां कि तुहानूं दिख रिहा। तो इस तरीके दे नाल तुसीं देख सकदे हो पंजवां लड़ है जो अगों ढिल्ला हो चुका है बिल्कुल ढिल्ला। वह भी आपां सही करांगे अगे जो मोरनी दे विच अगे उहदी चुंझ हुंदी है दस्तार दी उहदे विच आपां मैटर विच है जो पावांगे कपड़े नूं है जो पावांगे। तो इस तरीके दे नाल तुसीं देख सकदे हो उपरों आपां ने हाथ दे नाल सफाई है जो दस्तार दी करनी है जी। अंगूठे नूं इस तरीके दे नाल तुसीं रखना जिद्दां कि आप जी नूं वीडियो विच दिखाया जा रहा है। तो एक सै हथ नाल आपने दस्तार नूं साइड वाला जो खिंच लैना। बाकी तुसीं देख सकते हो इस तरीके दे नाल बाज है जो आपने मारना है जी। जिथे आपने तुसीं देख सकते हो हथ रखे उत्थे तुसीं पग पहने भी ला सकते हो इस तरीके दे नाल। बाकी तुसीं देख सकते हो जी इदां ही आपने जो दस्तार है जो सजाउणी है जी। तुसीं बट देख सकते हो आपने सारे एक गुठ दे विच पा दित्ते गए है जी। तुसीं देख सकते हो इस तरीके दे नाल आपां ने दस्तार नूं इक साइड वल नूं खिंचना है। जेकर बैक साइड तो तुसीं नाल दी नाल सफाई नहीं करदे तां बाज दी सहायता दे नाल बैक साइड तो भी नाल दी नाल सफाई है जो कर लिया करो जी दस्तार दी। इहदे नाल नाल दी नाल अपनी दस्तार दी शेप है जो बैक साइड तो भी वधिया आउंदी जांदी है जी। फिर आपां नूं बाद दे विच जो दस्तार दी शेप लोड करन च वाधू दिक्कत आउंदी है जी। इस तरीके दे नाल तुसीं नाल दी नाल ही जो लोड है दस्तार नूं कर सकदे हो। शेप तुसीं देख सकदे हो थोड़ी मोटी शायद बाज दी शेप नाल दी है जो दस्तार दी शेप है जो मिल चुकी है जी। उपरों तुसीं देख सकदे हो उपरों आपणे ज़्यादा सिर है जो वह नहीं वह करना दिखाना ते सिर है जो आपां ज़्यादा लुकावांगे मतलब कि पेचां दे साइड अते उपरले लड़ हुंदे जो दस्तार दे उहदे नाल ही आपां सिर नूं ज़्यादा कवर करना है। आपां ने चार पंज उंगलां उपरी जगह रखनी है सिर दे ते बैक साइड तो शेप है जो उहदी आपां जल्दी वीडियो अपलोड करांगे जिद्दां कि तुहानूं अगे वीडियो च दस्सिया। इस तरीके नाल तुसीं छेवां लड़ देख सकदे हो जी। इदां आपां ने छेवां लड़ लै के आउणा है ते इस तरीके नाल दबणा है। ये पग दे विच थोड़ा जिहा कान हैगा जी इस करके ये पंजवां छेवां लड़ है जो थोड़ा जिहा ढिल्ला हो चुका है तुसीं देख सकदे हो। इस तरीके दे नाल आपां ने फिर भी जेकर तुहाडी भी पग च एवें दा थोड़ा मोटा कान है तां तुसीं इस तरह लोट है जो दस्तार नूं कर सकदे हो। ते दस्तार है जिहड़ी थोड़ी जिही छोटी है इस करके इक साइड वल नूं ज़्यादा खिची हुई है तां करके इहनूं फिर वैसे कवर कर रहे हां। इस तरीके दे नाल तुसीं देख सकदे हो जी। बाकी दस्तार दी शेप है जो थोड़ी मोटी थोड़े सामने है जी मिलदी जुलदी है जी। ते बाकी आपां जल्दी वीडियो नवीं अपलोड करांगे जिद्दां कि तुहानूं वीडियो विच दिखाया जा रहा। इस तरह तुसीं देख सकदे हो छेवां लड़ लाउण तों बाद आपां ने जो शेप उपरों कढ़नी है तां तुसीं उपरों हथ नाल ही खिंचणी है। वो शेप वैसे नहीं आऊगी वो तुहानूं हथ नाल ही बनानी पएगी जी। इस तरीके दे नाल तुसीं देख सकदे हो साइड वाले जो पेच ने उन्हां नूं आपां ने एक बार सफाई जरूर कर देनी है जी इस तरीके नाल। बाकी तुसीं देख सकदे हो जी इदां आपां ने सफाई है जो करनी है जी। बाज नाल तुसीं बट्टां नूं उपर उपर वल नूं करदे जाओ इहदे नाल की अपनी दस्तार च वह जगह ते गुलाई आ जाएगी सही हो जाएगी। इस तरह तुसीं देख सकदे हो बट्टां नूं आपां उपर उपर चुकना है ते उदां दे बट जो तुसीं थंबनेल च देखिया वीडियो फोटो देखी है उदां दे बट ने जो पै जाणगे जी। बाकी तुसीं देख सकदे हो जी इस तरह अपने बट ने जो मोटे मोटे बट ने जो पाने हैं जी। अगों जो गुठ हुंदी है दस्तार दी उहदे विचों आपणे बट ने जो एक जगह ते कर देने पेच ने जो इको जगह तो निकलदे करने जी इदां जिद्दां तुहानूं दिखाया जा रहा। तो आ प्रैशर दा तुसीं यूज करके बट ने जो चपे सकदे हो जी। कई बार कपड़े ते पानी है जो घट लग्या हुंदा है ते दस्तार दी शेप है जो ज़्यादा वड्डी आ जाती है तां तुसीं ये प्रैशर है जो खरीद सकते हो जी। इदां आपां ने उपर प्रैशर नाल पानी छिड़कण तों बाद ये प्रैशर दे विच आपां पानी ही पा सकते हैं। खाली बोतल आती है जी ये तुसीं पानी पा के छिड़क सकते हो। कई बार कहते हैं कि ये बोतल में की होंगे कि है दस्तार में चपे देंदी है ये वीरे पानी पाया गया होंगे है भी आप जो बोतल खाली रहती है तो तुसीं पानी पा सकते हो। पानी नाल ही अपनी दस्तार दे जो उपरों शेप है जो वधिया आ जाती है छिड़कते हैं। कई बार नाल दी नाल पानी आपां तों नहीं छिड़किया जाता तां तुसीं पूनी ते भी इहदे नाल पानी छिड़क सकदे हो। इहदे नाल अपनी दस्तार ज़्यादा गिल्ली भी नहीं होगी ते दस्तार दे विच डब ने जिहड़े उह भी नहीं पैणगे। ते लास्ट लड़ तुसीं देख सकदे हो इस तरीके दे नाल लाउणा है। तुसीं देख सकदे हो पंजवें लड़ दे विच आपां थोड़े थोड़े बट जरूर पा लैणे हैं जी। उस तों बाद छेवें लड़ दे विच थोड़े थोड़े बट जरूर पा लैणे हैं।
ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਲਿਆ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਹੈ ਜੋ ਚੌੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇਣੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਟਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਵਾਂ ਲੜ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5ਵੇਂ ਲੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਣ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰੋਂ 6ਵਾਂ ਲੜ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਕਵਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੇ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।